ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर है जहां केरल भेजे गए हैं राहत सामग्री से भरे हुए ट्रक। वायुसेना के विमान से कोची भेजी गई है राहत सामग्री। 36 टन राहत सामग्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। खाद्यान्न के अलावा पेय पदार्थ और राशन सामग्री भी भेजी गई है। इस आपदा की घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा है, मुख्यमंत्री योगी ने कहा। 15 करोड़ की राशि पहले ही भेजी जा चुकी है। एक बार फिर से राहत सामग्री भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई। विमान से कोची पहुंची है राहत सामग्री, तो यूपी से राहत की गाड़ी निकली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खाद्यान्न के साथ साथ पेय पदार्थ भी भेजे गए हैं। इससे पहले भी मदद की जा चुकी है यूपी सरकार की तरफ से। 36 टन राहत सामग्री भेजी गई है। 5 कालिदास मार्ग के बाहर ये कार्यक्रम रखा गया जहां मुख्यमंत्री ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए यूपी सरकार ने राहत सामग्री भेजी है। उन लोगों की मदद के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। तमाम राज्यों से राहत सामग्री भेजी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से भी लोग चंदा इकट्ठा करके केरल भेज रहे हैं। देश का एक राज्य वर्तमान में एक भीषण प्राकृतिक आपदा बाढ़ की चपेट में आया है। आपदा की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने 15 करोड़ रुपए की राशि वहां के माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष में पहले ही हम लोग भेज चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के द्वारा 60 मीट्रिक टन राहत खाद्य सामग्री, जिसमें बिस्किट है, ड्राई फ्रूट है, फ्रूट जूस है, ओआरएस पैकेट हैं, पानी की बोतलें हैं, मोमबत्ती है, नमकीन है, मिल्क पाउडर है, चिप्स हैं और अन्य जो सामग्रियां हैं ये यहां से आज वहां भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये राहत ट्रक जो है ये भेजे जा रहे हैं। ये 25 ट्रक हैं जिसमें ना सिर्फ खाद्य पदार्थ होंगे बल्कि रस्क जो जूसेस हैं वो, साथ ही मोमबत्ती, ओआरएस के जो पैकेट्स हैं वो, उसके अलावा बाकी राहत सामग्रियां इसमें होंगी। न सिर्फ प्रोसेस फूड भी भेजा जा रहा है और ये 25 ट्रक्स हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री खुद हरी झंडी दिखाते हुए इससे पहले राहत राशि भेजी जा चुकी है। और मुख्यमंत्री का कहना है कि आगे आने वाले समय में भी जो भी मदद बन पड़ेगी वो सरकार द्वारा की जाएगी। कैमरामैन अमित सहानी के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ समाचार प्लस।